हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5 बर्ड्स इन साइंस सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। बर्ड्स और भी सारे लिविंग थिंग्स हैं जिनको फूड की ज़रूरत होती है। द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड इट्स क्लोज आर सिचुएट टू द टाइप ऑफ फूड इट इट्स। मीन्स बर्ड्स की बीक और क्लॉज, उनकी चोंच और उनके पैर अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनके खाने के अकॉर्डिंग। जैसा वो खाना खाते हैं जिस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अभी अलग अलग टाइप्स की हम बीक चोंच पढ़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक। एगल्स वल्चर्स एंड आउल्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे। एगल्स वर्चर ये है, ये बर्ड्स कैसे प्रे शिकार करने वाले। दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस फ्रॉग एंड स्नेक्स। ये माइस फ्रॉग और स्नेक्स को खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को उनका शिकार करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स टू टीयर फ्लैश। और इनके बीक्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक के जैसी। ये आप देख सकते हो एगल की बीक, ये इनको ऐसी इनकी बीक होती है, स्ट्रांग होती है हुक की जैसे, थोड़ी सी टन रहती है नीचे से। ये एगल की बीक होती है उनके प्रे के लिए शिकार करने के लिए। नंबर टू, शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। स्पैरोज पीजन्स एंड पीकॉक्स हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। ये आप देख सकते हो पिक्चर में पीकॉक की बीक कैसी है, छोटी सी है, हार्ड भी होती है और एक पॉइंटेड होती है जिनके लास्ट वाला जो होता है शार्प होता है पॉइंट। एंड दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प दीज बर्ड्स टू पिक अप एंड क्रश सीड्स। ये बीक उनको किस तरह से हेल्प करती है, किसी भी सीड, कोई दाना होता है उसको क्रश करना, उसको जल्दी से पिकअप करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एंड कर्व पीक बीक। The strong curved beak of a parakeet helps it to crack nuts and hard fruits. ये आप देख सकते हो पैरट के भी ये कैसी है, strong and curved, थोड़ी सी कर्व मुड़ी हुई रहती है। ये उनके बीक इसको किस कैसे हेल्प करती है, नट्स को और फ्रूट्स को क्रैक करने के लिए, उनको तोड़ कर उनको खाने के लिए, हार्ड वाले फ्रूट्स। दिस कर्व बीक ऑल्सो हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज। और ये कर्व बीक उनको ट्रीज के ऊपर क्लाइंब चढ़ने के लिए भी हेल्प करती है। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल बीक, अ वुड पैकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक। एक वुड पैकर के ये ऐसे टाइप की बीक होती है। दिस हेल्प्स इट टू टैप द बार्क ऑफ दीज एंड टेक आउट इंसेक्ट। ये बीक उनको क्या करती है, टैप उनको इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए, ऐसी वाली ये बीक आप देख सकते हो वुड पैकर की। स्ट्रॉन्ग और चीजल बीक जो किस पर टैप करती है, मारती है और किसी भी इंसेक्ट को बाहर निकालती है। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ अ स्वेलो इज स्टिकी ऑन द इनसाइड। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक अंदर से कैसी होती है, स्टिकी, थोड़ी चिपचिप भी होती है। द बर्ड मूव्स अराउंड एंड सॉरी राउंड एंड राउंड इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन। और ये बर्ड्स ये बीक उनको ओपन एरिया में राउंड एंड राउंड एयर में घूमने के लिए हेल्प करती है। टीनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स गेट स्टक इनसाइड। जैसे ही बर्ड्स ओपन एरिया में राउंड एंड राउंड घूमते हैं तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली इनके इस होल से अंदर चले जाते हैं। ये आप देख सकते हो इनकी बीक के यहाँ पर छोटा सा होल होता है, ये एयर में राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं डायरेक्टली इसके अंदर चले जाते हैं। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। अ हुपो इज एबल टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। ये इनकी बीक्स क्या काम करती है, ग्राउंड में होल्स
ग्राउंड में होल्स होते हैं उसके अंदर से इंसेक्ट्स बाहर निकलने के लिए काम आती है। जैसे ये देख सकते हो लंबी सी स्लेंडर बीक होती है, ये कोई भी होल्स में अंदर डालते हैं और इंसेक्ट को बाहर निकालते हैं। फॉर दिस इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, इसके लिए इनकी लॉन्ग और स्लेंडर बीक होती है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ अ डक हैज़ टीनी होल्स ऑन द साइड्स। आप डक के देख सकते हैं इनके साइड्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। द डक टेक्स इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट वॉर्म्स एंड वाटर प्लांट्स। डक्स कहाँ रहते हैं, मडी वाटर में, कीचड़ वाले पानी में जहाँ पर इंसेक्ट वर्म्स होते हैं। फीट एंड क्लॉज, अभी बर्ड्स के हम फीट, पैर और उनके पंजों के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स यूज दियर क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम दियर एनिमीज। बर्ड्स के क्लॉज क्या काम आते हैं, अपना खाना कैच करने के लिए, फूड कैच के लिए, और अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कैसे होते हैं, सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक एगल्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व क्लॉज कॉल्ड टेलोन्स। ये आप देख सकते हैं एगल्स के क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं इनके, ये कैसे फ्लैश ईटिंग, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं इसलिए इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं या बर्ड्स कहते हैं। इनके क्लॉज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व, जिसको टेलोन्स कहते हैं। नंबर टू पर्चिंग बर्ड्स, दिस टाइप ऑफ फीट हेल्प्स द बर्ड्स टू होल्ड ऑन टू अ ब्रांच। एग्जाम्पल क्रोज एंड स्पैरो, स्पैरो और क्रोज के ये पर्चिंग, इनके इस टाइप के क्लॉज होते हैं जो ट्री की ब्रांच को ईजिली होल्ड कर सके, पकड़ सके, ये फीट उनके लिए हेल्प करते हैं ब्रांच को पकड़ने के लिए। स्केचिंग बर्ड्स, दीज टोज हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज टू दैम, सॉरी हेल्प दैम डिग। डिग मीन्स होता है खोदना, खुदाई करना। ये वाले बर्ड्स के क्लॉज इनके क्या हेल्प करते हैं, ग्राउंड में डिग करने के लिए, खुदाई करने के लिए हेल्प करते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, दीज टोज हेल्प दैम टू क्लाइंब ट्रीज। और इस टाइप के क्लॉज होते हैं वह बर्ड को ट्रीज के ऊपर, क्लाइंब मीन्स चढ़ने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल वुड पैकर एंड पैराकिट्स, वुड पैकर और पैराकिट्स के इस टाइप के क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, द थ्री फ्रंट टोज आर जॉइंट बाई स्किन विच इज कॉल्ड वेब। इनके ये थ्री फ्रंट वाले टोज होते हैं वो स्किन से जॉइंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब। ये आप देख सकते हो पिक्चर में। दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। ये वाले जो इनके फ्रंट वाला जो टोज होते हैं, इनको क्या हेल्प करते हैं, वाटर को बैक साइड पुश करने के लिए स्विमिंग के टाइम। जब ये स्विमिंग करते हैं तो ये वाटर को इजीली बैक साइड पुश करते हैं। वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स लाइक क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज। वेडिंग बर्ड्स के कैसे होते हैं क्लॉज, लंबे से, लॉन्ग लेग्स होते हैं और इनके टोज फैले हुए होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। दे कैन वेड थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट, और ये इजीली मडी वाटर में चल सकते हैं बिना गीले हुए। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ होलो बोन्स। बर्ड बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हैं, क्यों करते हैं इजीली फ्लाई, बिकॉज उनकी बोन्स कैसी होती है, होलो, खोखली बोन्स होती है, और इसलिए उनका वेट भी क्या होता है, लाइट कम रहता है। अ बर्ड हैज टेल, इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। बर्ड्स के टेल्स होती है पीछे की साइड, वो टेल इनके क्या काम करती है, जब ये फ्लाइंग उड़ते हैं तब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टेल उनके काम आती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। विंग मूवमेंट, अ बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग अप एंड डाउन। कोई भी बर्ड्स इजीली फ्लाई नहीं कर सकते,
सिंपली जल्दी से वो अपने फ्लिपर्स को करके फ्लाई नहीं कर सकते अप एंड डाउन. द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. विंग्स में भी टू टाइप्स का मूवमेंट होता है. अपस्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड. जब विंग्स को वो ऊपर की साइड उठाते हैं तो उसको उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, अपस्ट्रोक. डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड. और जब उन विंग्स को नीचे की साइड वो मूवमेंट करवाते तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रोक. फैदर्स ऑफ बर्ड्स. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल एंड फ्लफी फैदर्स टू कीप इट वार्म. बर्ड्स की बॉडी किससे कवर होती है, छोटे और फ्लफी फैदर्स, छोटे और एकदम स्मूथ से पंखे, सॉरी पंख, फैदर्स मीन्स होते हैं उनके पंखों से वो कवर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं बर्ड्स को वार्म, गर्म रखने में काम आते हैं. दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स. इनको हम क्या कहेंगे, डाउन फेदर्स, नीचे वाले फेदर्स. द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच टू द विंग्स एंड टेल हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. और जो लॉन्ग फ्लैट फेदर्स होते हैं जो उनके विंग्स के साथ अटैच होते हैं वो उनके फ्लाइंग के टाइम हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. ये उनके फ्लाइट उड़ने के फेदर्स कहते हैं. नेस्टिंग हैबिट्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. मीन्स बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते, घोंसला बनाते. क्यों बनाते, ले एग्स, एग्स ले करने के लिए. बर्ड्स यूज मटेरियल ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वूल, फेदर, क्लोथ, पेपर टू बिल्ड दियर नेस्ट. बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने के लिए उनके क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वूल, इन सब का यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं. द एगल. बर्ड्स लाइक द एगल एंड द वल्चर मेक नेस्ट बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स एंड सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ अ शेलो कप. जो एगल होते हैं, एगल बर्ड्स होते हैं, और एगल और वल्चर बर्ड्स होते हैं, वो अपना नेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टिक्स, बहुत कम स्टिक कलेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करते हैं जैसे वो एक शैलो कप बन जाए, वो एक शैलो कप के जैसा अपना नेस्ट बनाते हैं. द वुड पैकर. वुड पैकर अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं. द वुड पैकर पैक अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक अ होल. वुड पैकर अपने बीक बीक से ट्रंक कलेक्ट करते हैं और एक होल बनाते हैं टू मेक इट्स नेस्ट कॉजी. और उनका नेस्ट, वे अपना नेस्ट कंफर्टेबली, कोजी का मीन्स होता है कंफर्टेबल. तो वुड पैकर अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, कंफर्टेबली बनाते हैं. द वेवियर बर्ड. द वेवियर बर्ड मेक्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स विथ ग्रास. वेवियर बर्ड्स अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, एकदम अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रास से बना हुआ बनाते हैं, ग्रास से स्ट्रॉन्ग नेस्ट बनाते हैं. द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. और इस बर्ड, ये बर्ड अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, जो ब्रांच के ऊपर हैंग मीन्स लटका रहता है. तब द पैगविन. द पैगविन कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड. और पैगविन अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ग्राउंड पर बनाते हैं, जो जिसमें वो स्टोन्स और पेबल्स को कलेक्ट करके बनाते हैं. केयरिंग फॉर द यंग. आफ्टर द मदर बर्ड्स लेज हर एग्स शी सीट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म. मदर बर्ड्स होती है वो एग ले करने के बाद उनके ऊपर ही बैठी रहती है उन एग्स को गर्म रखने के लिए. द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज. और फादर बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबीज़ को एनिमीज से कैसे प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करना वो सिखाते हैं. When the babies come out, they are weak and featherless. जैसे ही बेबी एग से बाहर आते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, featherless, जिसमें फेदर्स नहीं होते हैं उनके. Their eyes are closed. और उनकी आँखें भी कैसी होती है, बंद रहती है. The parents feed them and keep them warm. और पेरेंट्स उनको
खाना भी खिलाते हैं और उनको गर्म ही उनके ऊपर बैठ उनके एग्स के ऊपर बैठे रहते हैं गर्म रखने के लिए। द बेबीज़ ग्रो वेरी फास्ट और उनके बेबीज़ बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल देयर फेदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई और उनके पेरेंट्स उनकी देख रेख करते हैं कहाँ तक करते हैं जब तक उनके फेदर्स ग्रो ना हो सके उनके फेदर्स ना आने लगे और फेदर्स आने के बाद वो उनको फ्लाई करना सिखाते उड़ना सिखाते।